दीपिका, श्रद्धा, सारा, रकुल और भारती, इन सभी एक्ट्रेसेस का ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद इनकी जो ब्रांड वैल्यू है उसमें जबरदस्त इफेक्ट आया है। ये एक्ट्रेसेस साल भर में करोड़ों रुपए छाप लेती थी किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने का, लेकिन अब इन्हें नुकसान हो रहा है और ये नुकसान भी करोड़ों में है। तो कितना ये एक्ट्रेसेस अपने ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाती थी और क्या नुकसान इन एक्ट्रेसेस को हुआ है और कब नुकसान ये होना बंद होगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बॉलीवुड में इन सभी एक्ट्रेसेस का नाम जब से ड्रग्स मामले में आया है तब से सोशल मीडिया पर इन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है, इन्हें बॉयकॉट करने की डिमांड चल रही है और जिन एड्स और फिल्मों में ये है उन्हें भी बॉयकॉट करने की डिमांड चल रही है या फिर उन ब्रांड से इन्हें हटाया जाए, ऐसी डिमांड चल रही है। दीपिका पादुकोण की ब्रांड वैल्यू इन सभी एक्ट्रेसेस में सबसे टॉप पर है। दीपिका पादुकोण कम से कम इस वक्त 20 से ज्यादा ब्रांड्स को प्रमोट करती है और इनसे वो साल के 150 करोड़ रुपए कमा लेती है। इसमें ब्रिटानिया, लॉरियल और एक्सिस जैसी ब्रांड्स शामिल है। इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पर आती है एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, जो की ब्रांड प्रमोशन से सालाना 40 करोड़ रुपए कमा लेती है। बॉडी शॉप, वोग, लैक्मे जैसी ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर है श्रद्धा कपूर। इस लिस्ट में तीसरा नाम है सारा अली खान का। सारा अली खान ब्रांड प्रमोशन से सालाना तकरीबन 25 करोड़ रुपए कमा लेती है, जिसमें वीवो, गार्नियर और मेबलिन जैसी ब्रांड्स शामिल है। लिस्ट में चौथा नाम है रकुल प्रीत सिंह का, जो ब्रांड प्रमोशन से 3 से 4 करोड़ रुपए कमा लेती है। इसके अलावा अगर बात करें भारती सिंह की तो वो सोशल मीडिया पर ज्यादातर ब्रांड्स को प्रमोट करती है और पर प्रमोशन वो 1 से 5 लाख रुपए चार्ज करती है। ऐसा करके सालाना वो 2 से 3 करोड़ रुपए अपने सोशल मीडिया पोस्ट से सिर्फ एक फोटो या एक वीडियो या फिर एक ब्रांड के बारे में बात करके कमा लेती है। जिस वक्त इन सभी एक्ट्रेसेस के नाम ड्रग्स मामले में आए तब इनकी ब्रांड्स को बड़ा झटका लगा। सबकी निगाहें इन सभी एक्ट्रेसेस के बयानों पर थी। हालांकि अभी तक किसी का जुर्म साबित नहीं हुआ है, अभी भी लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जब तक ये एक्ट्रेसेस अक्यूज साबित नहीं होगी, इनका जुर्म साबित नहीं होगा, तब तक इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पर इस चीज का असर पड़ सकता है। हो सकता है जिन ब्रांड्स को ये अभी एंडोर्स कर रहे हैं वो फिर से इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करके किसी और स्टार को चूज करे। इसके अलावा एक और भारी नुकसान ये है कि इस वक्त ये सेलिब्रिटीज जितनी ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं उन ब्रांड्स के अलावा कोई नई ब्रांड्स इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर फिलहाल के लिए नहीं बनाना चाहता है। सबको इंतजार है कोर्ट के फैसले का। कोई भी ब्रांड इन सेलिब्रिटीज के साथ जुड़कर अपनी ब्रांड वैल्यू या अपनी गुडविल को खराब नहीं करना चाहती है, इसीलिए इन एक्ट्रेसेस के पास अभी कोई नई डील्स गई ही नहीं है। ऐसे में जहां हर साल इनकी ब्रांड वैल्यू या इनके ब्रांड एंडोर्समेंट और ब्रांड से कमाई में जबरदस्त उछाल आता है, वहीं ड्रग्स मामले को लेकर इनकी एक्स्ट्रा कमाई अभी कुछ भी नहीं हुई है, यानी कि करोड़ों का नुकसान ही हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इनकी ब्रांड वैल्यू ठीक कब होगी, पब्लिक इन्हें फिर से एक्सेप्ट कब करेगी। तो इस पर एक ब्रांड एक्सपर्ट कहते हैं कि मैगी और कैडबरी को लेकर भी कई बार ऐसे वीडियोस और ऐसे तथ्य सामने आए हैं और मैगी को भी लोगों ने यूज करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया था, लेकिन आज फिर से मैगी की सेल उतनी ही है और कैडबरी भी लोगों ने खाना बंद नहीं की है। ब्रांड एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सब टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए मार्केट डाउन होता है, लेकिन बाद में अचानक से किसी की कोई फिल्म अच्छी लग गई, किसी की कोई बात अच्छी लग गई तो फिर से इनकी जो टेम्पर्ड ब्रांड वैल्यू होती है वो फिर से बनने लगती है। यानी कि आगे चलकर अगर इन सभी एक्ट्रेसेस में से दीपिका, सारा, श्रद्धा, भारती और रकुल में से किसी ने भी कुछ अच्छा काम कर लिया और लोगों को वो काम पसंद आ गया तो शायद लोग इन्हें माफ कर देंगे और इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो फिर से बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई स्टार्स हैं जिनका नाम कॉन्ट्रोवर्सीज में आने के चलते उन्हें काफी ब्रांड से हटा दिया गया था। जैसे आमिर खान ने जब इंटॉलरेंस पर बयान दिया था तब उन्हें इनक्रेडिबल इंडिया से हटाया गया था और स्नैपडील की ब्रांड एम्बेसडर भी थे वो, जो एड उनसे ले लिया गया था। इसके अलावा सलमान खान ने जब इंटॉलरेंस को लेकर जवाब दिया था तब उन्हें भी
लोगों ने ना पसंद किया था, वो थम्सअप को तब एंडोर्स कर रहे थे और तभी थम्सअप का एड उनसे छीन लिया गया था। यही कारण है कि इन सेलिब्रिटीज की पब्लिक इमेज बहुत मायने रखती है, इसीलिए ये सेलिब्रिटीज पब्लिक के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है इसकी बहुत तैयारी करते हैं और ये तैयारी उन्हें करवाती है उनकी पीआर टीम जो उनके लिए ब्रांड्स लेकर आती है।